बसफील रनिमिया के नाम कनस्तिन मेरे पाकिस्तानियों में अभी रात के तकरीबन बारह बजने लगे हैं तो मैं आपके सामने सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ और वो बात है ये जो सारा तोशा खाना का ड्रामा चल रहा है तो मैं ये वाजह कर दूँ कि ये ज़रूरी आपका समझना है कि तोशा खाना ये है क्या तोा खाना सत्तर साल से एक ही कानून बना हुआ है तोशा खाना का जो जिसको भी तोहफे मिलते हैं सत्तर साल से चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिनिस्टर आर्मी चीफ वो सारों का एक ही कानून है उसी कानून के मुताबिक जो भी तोशा खाना से मैंने चीज़ें ली उस कानून के मुताबिक चला अब ये केस जो तोशा खाना का चलना शुरू हुआ ये आपको समझना चाहिए कि के इस केस के ऊपर ये तोशाखाना केस के ऊपर मेरे घर के ऊपर हमला हुआ चार दिन पहले पुलिस पहुंच गई कि जी आपने वो तोशाखाना का एक मजिस्ट्रेट के सामने केस सुनने जाना है चार दिन पहले पुलिस पहुंच गई और यहां पूरा मेरे घर के ऊपर छब्बीस घंटे अटैक हुआ मुझे जब 9 मई को गैर आइनी और कानूनी तौर पे अफवाह किया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तो मुझे जब जेल में ले गए पुलिस लाइंस में वहाँ मुझे एकदम पता चलता है कि एक जज साहब जज हमायू दिलावर वहाँ बैठे हुए हैं और वो आपके ऊपर के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं ना मेरा वकील ना मुझे केस का पता और पता चलता है कि वो उधर आके मेरे ऊपर फर्द जुर्म लगा के चले जाते हैं फर्दर जुर्म लगा सकते ही नहीं जब तक के मैं मेरे ऊपर जब तक मुझे पूरी तरह बताया ना जाए कि वो वो है क्या मेरे सामने फर्द जुर्म लगता है या मेरे वकील के सामने जब हमें ये पता चला उससे अगले दिन हमने रिक्यूजल का कहा हमने कहा जी हमें इन जज साहब से जिस तरह इन्होंने कार्रवाई की है हमें कोई इंसाफ इन, की तो नहीं है ये ग्यारह मई को हमने किया उसके बाद बहरहाल एक पूरा सिलसिला चलता रहा जिसमें ये वाज होता गया कि एक प्लान बना हुआ है कि तो में इमरान खान को डिसकॉलीफाई करना है मुझे एक सवाल दिए गए पैंतीस पैंतीस सवाल दिए गए क्वेश्चन जज साहब ने कि जी इनके जवाब दो मुहर्रम की छुट्टियां भी थी खैर हमने बड़ा ज़ोर लगा के उसका जवाब तैयार किया मैंने कोई एक घंटा अदालत में खड़े होके कल सारे जो सारे सवालों का जवाब दिया इन्होंने दो कोई गवाह रखे हुए थे सरकारी गवाह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने पैंतीस सवालों में जवाब नहीं दिए एक एक चीज़ का जवाब दिया और एक जगह जो ये बात किधर फंस रही थी जी कि आपके आपने जी यहाँ खाना नहीं लिखा यानी हमने सारे पैसे सब डिक्लेयर्ड थे जितने इन्होंने जितने तोशाखाना के पैसे थे बैंक में डिक्लेयर्ड थे कहते थे वो सारे मेरे इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर्ड थे वो मैं जो एफ बी आर थी उसके सामने डिक्लेयर्ड थी वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर था सब कुछ डिक्लेयर्ड, सब कुछ डिक्लेयर्ड है एक जगह पे कहते जी ये पैसा तो है लेकिन यहां इसके ऊपर तोशाखाना नहीं लिखा अब ये मेरे अकाउंटेंट ने भरा हुआ था चालीस साल से मेरी वही अकाउंटिंग फर्म है तो मैंने अपने गवाह में लिखा कि ये अकाउंटेंट का काम है आके आपको एक्सप्लेन करें पैसे तो वो है कि जी उसने तोशा खाना पैसे के आगे लिखा या नहीं लिखा हालांकि वो अकाउंटेंट क्लियर है कि कानूनी तौर पे उसने ठीक किया अब वो अकाउंटेंट आना था आज पता चलता है जज साहब कहते हैं जी एक घंटे में गवाह को प्रोड्यूस करो गवाह रास्ते में होता है कहते है अब हमने कैंसिल कर दिया अब कोई गवाह आप सामने नहीं ला सकते मैं ये सवाल पूछता ये कोई मिलिट्री ट्रायल हो रहा है मेरा राइट मेरा हक है फेयर ट्रायल के लिए यानी एकदम गवाह कैंसिल कर दिए मैंने कुछ पांच छह गवाह लेके आने थे ताकि वो एक्सप्लेन करें जो पैंतीस क्वेश्चन इन्होंने भेजे उनके जवाब में मुझे मौका तो मिले कि अगर कोई पूछे मेरा मेरे वकील उनको समझाने के लिए गवाह तो इसलिए होते हैं गवाही सारे कैंसिल कर दिए और आज अब ऐसे लग रहा है कि कल फर्द जुर्म कायम कर देंगे यानी मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जल्दी इतनी क्या है क्या कल दो दिन आज गवाह आ जाए कल गवाह आ जाए उसके बाद फिर आपने जो आपने जज साहब फैसला करना है वो आपने करना है लेकिन मुझे तो, मुझे तो मौका मिले कि हर दुनिया में एक मौका मिलता है इंसान को फ्री फेयर ट्रायल का वो मुझे मौका देना चाहिए और अभी इस सुप्रीम कोर्ट में मैं ये भी कह दूं कि हमने रिक्यूज़ल का भी इन जज साहब का कहा हुआ है कि हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है वो पढ़ा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बदकस्मती से फैसला नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब मैं ये भी कह दूं कि सिर्फ इतनी ज़्यादा पता नहीं मैं कितने केसेस में हूँ सिर्फ दो जजेस के ऊपर मैंने रिक्यूज़ल का कहा हुआ है एक इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे ये जस्टिस दिलावर ये मेरा राइट है कि अगर मुझे मैं समझ रहा हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो मेरा ये हक है कि मैं इनकी इनको रिक्यूज़ करवाऊँ इनको कहूँ कि किसी और को भेज दे अब वहाँ भी फैसला नहीं हो रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक इन्होंने जस्टिस दिलावर ने फैसला नहीं करना जब तक कि पूरा जब तक कि ये इसके ऊपर फैसला नहीं होता ट्रांसफर पे लेकिन मुझे लग रहा है कि कल इन्होंने फैसला कर देना है इसलिए मैं रात को लेट आपके सामने आ रहा हूं मैं आखिर में एक और बात कहता चलूं कि फेसबुक पे 2014 में जस्टिस दिलावर ने अपनी फेसबुक पे मेरे ऊपर ऐसे आ, रिमार्क्स दिए हुए हैं जिससे लगता है कि वो मुझे इंसाफ नहीं दे सकते यानी उनकी उनकी एक पर्सनल डिसलाइक उसमें सामने आ रही है हमने ये चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद वालों को कहा कि देखें ये प्रेजेडिस्ट हैं उन्होंने जाके के एफ आई ओ को कहा कि बताओ कि जनाब ये ठीक है या नहीं ये जो फेसबुक पे उनकी पोस्ट थी एफ आई ए ने वो चेक करके कि क्योंकि वो डिलीट कर चुके थे पोस्ट उन्होंने वापस कह दी वह वह तो, तो पोस्ट ही नहीं है देखिए बड़ा आसान काम है अगर आप इस मुल्क पर इंसाफ चाहते हैं मैं चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद आपको भी कहता हूं और एफ आई ए आपको भी कहता हूं एक फेसबुक को एक सिर्फ लेटर जाना चाहिए आपसे एक ई मेल करें कि ये केस हो रहा है नब्बे दिन तक उनके पास रिकॉर्ड होता है अगर आप डिलीट भी करते हैं कोई पोस्ट तो नब्बे दिन तक फेसबुक के पास उसका रिकॉर्ड है सिर्फ एक ईमेल की जरूरत है पता चलवा लें कि क्या इन्होंने जो वाकई इन्होंने पोस्ट की थी या इन्होंने नहीं की थी आधे घंटे में सारा इसका पता चल जाएगा कि क्या जस्टिस दिलावर ने वाकई वो मेरे ऊपर जो बड़ी उनका माइंड शो करता है कि वो शायद मेरे से इंसाफ ना कर सके वो पोस्ट में रिफ्लेक्टेड है पता चल जाएगा कि है या नहीं है तो हम सिर्फ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ 200 केसेस होने लगे हैं एक एक फेस करने के लिए तैयार हूँ फेस कर रहा हूँ पिछले दो महीने में साढ़े तीन सौ अदालत में केसेस के अंदर मेरी पेशी हो चुकी है साढ़े तीन सौ ये भी रिकॉर्ड है मैं आगे भी तैयार बैठा हूँ लेकिन सिर्फ ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले और इंसाफ मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर सिर्फ मुझे ये मौका दिया जाए कि अगर मैं ये समझता हूँ कि कोई जज मेरे से इंसाफ नहीं कर रहा तो ये मेरा हक है कहना कि जी ट्रांसफ़र कर दें केस किसी और जज को तो मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ कि कल फैसला करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनेंगे ताकि मुझे फेयर ट्रायल मिल सके शुक्रिया